हेलो फ्रेंड्स इट्स एंड वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाइल्ड लाइफ दैट व्हाट इज वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मास्टर लेवल का लेकिन इसकी जनरल इंफॉर्मेशन और इसका जो टॉपिक होते हैं ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट स्टीम्स में आप यूज कर सकते हैं यू कैन सिंपली से दैट वाइल्ड लाइफ बेसिकली होती क्या है तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या है तो सिंपली अगर हम डिफाइन करते हैं वाइल्ड लाइफ को तो बेटा ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और गॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ आपने देखा कि बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जिसमें बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बात बता दी गई है कि वो सारे प्लांट्स जो नॉन कल्टिवेटेड हैं जिनको हम खुद नहीं उगाते और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको हम वो एनिमल्स जिनको हम घर में खुद नहीं पालते उन सबको कहा जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ है ऐसे तमाम पौधे ऐसे तमाम जानवर जो खुद ब खुद नेचुरल इन्वामेंट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि जंगली पौधे जंगली पौधे जो होते हैं वो हम खुद नहीं बनाते हम खुद नहीं उगाते वो खुद ही बन जाते हैं खुद ही उनकी जो है पैदावार बढ़ती है तो वो जंगली पौधे और वो जंगली जानवर इनको कहा जाता है कि ये वाइल्ड लाइफ है ठीक हो गया एक और डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो उसकी सेकेंड डेफिनेशन है ऑल लिविंग थिंग्स आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ह्यूमन वो सारे लिविंग चीज़ें लिविंग चीज़ों में लिविंग थिंग में प्लांट और एनिमल ही आ जाता है तो वो सारे लिविंग थिंग्स जो इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर है उनको हम कहते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ है ठीक हो गया ओके बेटा लेट मी टेल यू दैट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है वाइल्ड लाइफ तो हमने बताया क्या होता है कंजर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन डेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट अब हैबिटेट को कुछ लोग हैबिटाट भी कहते हैं ठीक है तो इस बात को आपने बिल्कुल माइंड नहीं करना दैट हैबिटेट भी होता है और हैबिटाट भी हैबिटाट भी होता है हर इंसान की क्योंकि बेटा प्रोनाउंसिएशन अपनी होती है तो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करना मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है ठीक हो गया ओके जी तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेसिकली कैसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर वो सारी वाइल्ड लाइफ जो इनडेंजर्ड है यानी कि इनडेंजर्ड प्लांट्स उनके एनिमल्स और उनके हैबिटेट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है कंजर्व किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को इस पूरी प्रैक्टिस को बोलते हैं दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अब किस लिए हुआ टू इंश्योर वाइल्ड लाइफ नेचर ताकि वाइल्ड लाइफ नेचर जो है उसको देखा जाए कि वो सही ही है इसको रिकोगनाइज किया जा सके ठीक हो गया सेविंग ऑल वाइल्ड लाइफ स्पीशीज तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं उनको सेव करना उनको किसी भी थ्रेट से बचाना उनको प्रोटेक्ट करना उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना इसलिए ताकि जो है उनको एक्सटेंट होने से उनकी पॉपुलेशन कम होने से बचाई जा सके ठीक हो गया तो ये हमारे पास जो है बेसिकली मैसेज राइटिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप मेमोराइज ईजी कर सकते हैं ओके okay, जी थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कि वाइल्ड लाइफ के हमें बेनिफिट्स क्या हैं आखिर इनके क्या हमें फ़वाद हैं भी कि नहीं क्या सिर्फ इनके हमें नुकसान ही होते हैं तो चलिए देखते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ के क्या बेनिफिट्स हैं सबसे पहले है मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस वाइल्ड लाइफ क्या करती है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है किस तरह से मेंटेन करती है तो मैं आपको बताती हूं अब क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे इनवायरमेंट के अंदर ठीक है एक बैलेंस जो है नेचर का बैलेंस जो है उसको मेंटेन करती है किस तरह से अपनी फूड चेन के थ्रू ठीक है और बायोजी केमिकल साइकिल के थ्रू तो ये दो चीजें हैं जिनके थ्रू जो वाइल्ड लाइफ होती है वो हमारे नेचर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है ठीक है अब क्या होता है कि अगर कोई स्पीशी यहाँ पे देखें कि अगर कोई स्पीशी ज़्यादा लॉस हो जाती है ठीक है उसका नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है डिक्लाइन कर रहा है तेज़ी से कर रहा है तो जो नेचुरल बैलेंस है इन्वामेंट का वो अपसेट हो जाएगा ठीक है क्योंकि बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा कोई चीज़ ज़्यादा है तो कोई चीज़ कम हो रही है जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि सिस्टम वल्नरेबल हो जाएगा तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो रोल प्ले करती है दैन बात करते हैं हम सेकंड बेनिफिट इकोनॉमिक वैल्यू अब इकोनॉमिक वैल्यू में क्या है कि जो बहुत सारे हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ प्लांट्स हैं जिनके अंदर टिम्बर आ जाता है ठीक है लकड़ी है टिम्बर के दरख्त होते हैं फायरवुड है हनी यानी कि शहद है लेदर है ठीक है लेदर सिल्क उसके बाद बहुत सारी ड्रग्स हैं यानी कि बहुत सारे ऐसे जंगली जो है वो पौधे हैं जंगली जड़ी बूटियां हैं जिनसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन बनाई जाती हैं गोश्त है गम्स हैं ठीक है कुछ दरख्तों के ऊपर जो है वो गम जो है मिलती है उसको यूज़ किया जाता है रेजन रबर वूल ये सारी जो चीज़ें हैं आप देखें कि ये हमारे हमारे पाकिस्तान में क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड इन सब चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी इनसे इन क्योंकि बहुत सारी थाउजेंड ऑफ चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं और ये सब चीज़ें ये लकड़ी ये शहद ये जो लेदर जिससे जूते बनते हैं जिससे काफ़ी कोट बनते हैं ये ड्रग्स जिनसे कैंसर की डिजीज बन कैंसर की आप मेडिसन्स बनाते हैं ठीक है और उसके बाद ये गोश्त जो हम हमारा जो मेजर सोर्स है हमारा फूड का ठीक है खाना हम खाते हैं गोश्त हम बहुत शौक से लोग खाते हैं जो जो वेजिटेरियन नहीं होते रबर और ये वूल वगैरह ठीक है आप देखें इनकी कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है तो ये सब कहाँ से अपटेन हो रहा है ये सब वाइल्ड लाइफ से ही अपटेन हो रहा है तो अगर वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए अगर वाइल्ड लाइफ का नंबर डिक्लाइन कर जाता है तो ये सारी चीजें हमें मिलना बंद हो जाएंगी ठीक है तो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए इकोनॉमिक लॉस होगा बहुत बड़ा ठीक है उसके अलावा ये जो वाइल्ड लाइफ होती है ये रिक्रिएशन और टूरिज्म uh, का भी सोर्स होती है ठीक है बहुत सारे पीपल जो होते हैं बहुत सारे लोगों को ये अब्रॉड से बाहर से जो है वो अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ और वो फिर यहाँ पे आते हैं यहाँ पे घूमते हैं फिरते हैं ठीक है ठीके? जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि उस कंट्री को एक उसके जो है वो बेनिफिट होता है वो उसको उसके इसके थ्रू जो है वो पैसे कमाने का जरिया मिलता है थर्ड हम अगर हम इसका बेनिफिट देखते हैं दैट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज इस तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम सिंपली डिफाइन करते हैं तो इसका क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो है वो लिविंग Uh, जो है डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी देखो बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेराइटी तो वेराइटी ऑफ लाइफ जब अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो अब इसको हम सिंपली क्या कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है ठीक है सिंपली हम कहते हैं वराइटी ऑफ लाइफ ठीक है एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी अब क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व जब हम कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है आप इसको ईजिली विजुलाइज कर सकते हैं क्यों wildlife, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कोई खतरा नहीं है तो वो सारी आपको चीज़ें जो है वो नजर आएंगी ठीक हो गया थर्ड हम यहाँ पे इसका जो बेनिफिट है वो देखेंगे क्या है फोर्थ सॉरी एजुकेशन वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हम हम क्या होता है स्टूडेंट्स जो जोलॉजी पढ़ते हैं ठीक है जोलॉजी पढ़ते हैं उसके बाद उनको ज़ू पार्क सेंचुरीज ठीक है विजिट करते हैं हम वैसे लोग जो हैं हम जू वगैरह पे जाते हैं ठीक है पार्क्स वगैरह पे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को वहाँ पे कुछ सीखने को मिले कुछ उनको आप अच्छी चीजें वहाँ से बताते हैं कुछ पॉइंट्स उनको क्लिक करवाते हैं सेंचुरीज जाते हैं ठीक है ताकि एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके स्टूडेंट्स को फोर्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट है गेम वैल्यू मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जो हंटिंग एनिमल्स हैं उनको स्पोर्ट के लिए फूड के लिए या फिर मीट के लिए या फिर फन के लिए जो है वो शूट किया जाता है किल किया जाता है तो उसके लिए भी जो गेम वैल्यूज भी जो है वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वाइल्ड लाइफ होगी जानवर होंगे तो ही ये गेमिंग होगी वरना नहीं हो जाएगी होगी ठीक है उसके बाद जो है अगर हम गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग के लिए जो एनिमल्स की टाइप्स हैं ठीक है और इनकी रेंज के कि कितना लिमिट है कितना जो है एक एक ही बार हम किल कर सकते हैं या गेमिंग कर सकते हैं कितना ड्यूरेशन के बाद गेमिंग करेंगे ठीक है दोबारा से तो ये सारा जो जो रैंकिंग है ये जो सारा पैटर्न है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री में जो चल रहा है सिस्टम वही दूसरी कंट्री में चलेगा नो ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अपने स्पेंड करते हैं और फिशिंग रिक्रिएशन में ठीक है फिशिंग रिक्रिएशन में क्या करते हैं अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो अपने यहाँ पे खर्च कर देते हैं ठीक है ताकि वो ट्रॉफ़ीज़ ले सकें ठीक है और वो ट्रॉफ़ीज़ क्यों लेने जाते हैं ताकि वो लोगों को दिखाएं और बताएं कि देखें हमारे पास तो हमने शिकार किया था तो हमारी ये सक्सेस है हमारी ये विक्ट्री थी कि हमारे पास जो ट्रॉफी जो है वो एज अ विक्ट्री साइन पड़ी है ठीक है ओके देन हम बात करते हैं सिक्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में दैट इज़ अ साइंटिफिक वैल्यू वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च के लिए जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करती है डाटा प्रोवाइड करती है जैसे कि सी अर्चिन जो है अब सी अर्चिन भी आप देखोगे कि बहुत सारे जो है वो रिसर्च वर्क किया जाता है इट्स मीन कि आपको ये मेडिकल और रिसर्च वर्क के लिए डाटा प्रोवाइड करता है मटेरियल प्रोवाइड करता है ठीक है अब सी अर्चिन अगर आप सोचें कि सी अर्चिन क्यों ठीक है सी अर्चिन वाई इसलिए सी अर्चिन को जो है वो रिसर्च वर्क के लिए जो है वो मेडिकेटिव वर्क के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इसकी डिवेलपमेंट बहुत जल्दी होती है ठीक है और सी अर्चन की डेवलपमेंट होती है वो हुमन डेवलपमेंट के कुछ सिमिलर होती है तो इसलिए सी डेवलपमेंट सी अर्चन की डेवलपमेंट को देखते हुए हम हुमन की डेवलपमेंट को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इस पर वर्कआउट कर सकते हैं ठीक हो गया उसके अलावा मंकी को जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के एज यूज़ किया जाता है ठीक है ताकि इसको जो है इसके ऊपर भी जो है एक्सपेरिमेंट करके देखे जा सके देन सेवंथ अगर हम बेनिफिट देखें तो सोर्स ऑफ मेडिसिन है हमारे पास किस तरह से कि बहुत सारे मेडिसिन सिस्टम जो है Uh, कुछ हर्ब्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ हर्ब्स से स्पाइसेस से जो हैं उनसे लिए जाते हैं लाइक like, अब एग्जाम्पल में देखूं तो मेडिसन जैसे कि मॉर्फिन आपने देखी होगी ठीक है मॉर्फिन है एस्प्रीन है पेंसिलीन है ये वो सारी मेडिसन हैं जो वाइल्ड प्लांट्स से ऑप्टेन की गई हैं अगर वाइल्ड प्लांट वो ना हो तो अगर वो ख़त्म हो जाए तो ये सारी मेडिसन ये मॉरफिन ये एस्परन ये पेंसिलीन जो है ये सारी दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी जिसके रिजल्ट में ये डेंजरस है ओके okay, जी तो ये हमने पढ़े हैं कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ के क्या बेनिफिट्स हैं कि हम वाइल्ड लाइफ को बचाना क्यों ज़रूरी है ठीक हो गया जी उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में ठीक है जी हम सेकंड पॉइंट कौन सा देखेंगे जस्ट अ मिनट ये देखेंगे हमने देखना है अब कि वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन अगर हमने पहले देखा कि वाइल्ड लाइफ होती क्या है उसका कंजर्वेशन के बारे में देखा और उसके बेनिफिट्स देखें अब हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ की डिप्लीशन वाइल्ड लाइफ खत्म कैसे हो रही है उसकी कॉजेस क्या है तो वो देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाइल्ड एनिमल थ्रू ओवर हंटिंग के हम ज्यादा शिकार करने की वजह से वाइल्ड एनिमल्स का नंबर खत्म हो रहा है ठीक है तो इसको बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हो गई है ये इसलिए होता है कि हम आ, क्या कह रहे हैं हम ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि इंक्रीज होती जा रही है ठीक है इसकी वजह से हम बहुत सारे जंगलात वगैरह को काटते जा रहे हैं हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में वाइल्ड एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो उनका डिप्टीशन हो रहा है नंबर कुछ कॉजेज देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ की डिप्टीशन के काजेज क्या है सबसे पहला है लार्जेस्ट स्केल किलिंग ऑफ एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स जो हैं बहुत से जानवरों को जो है वो बड़े स्केल के ऊपर उनको किल के जा रहा है उनको खत्म के जा रहा है उनको मारा जा रहा है किस पर्पज के लिए फूड के लिए यानी कि उनका मीट को खाने के लिए ट्रेड के लिए ठीक है उनको जो है वो ट्रेडिंग की जाती है उनकी जो है वो लेदर वगैरह लेने के लिए उनकी ट्रॉफीज वगैरह लेने के लिए तो उनको ट्रेड किया जा रहा है और प्लेयर यानी कि खुशी फन के लिए जो है वो गेमिंग के लिए जो उनको किल किया जा रहा है जिसकी वजह से वाइल्ड एनिमल्स का नंबर कम हो रहा है सेकेंड रीज़न है हमारे पास डिफॉर्स्टेशन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी पा, पा, पापुलेशन जो है वो आबादी बहुत इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से हम दरख्त वगैरह काटते जा रहे हैं हम जंगलात ख़त्म कर रहे हैं ताकि वहाँ पर घर फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाई जा सकें जिसके रिजल्ट में इनको जो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा तो इसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन थर्ड है हमारे पास मोनोकल्चर फॉरेस्ट हम ऐसे फॉरेस्ट जो किसी एक स्पीशी स्पेसिफिक स्पीशी को कल्चर करते हैं बनाते हैं कमर्शियल रीजन के लिए हम वो बना रहे हैं तो इससे क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है सर्वाइवल नहीं कर सकती ठीक है क्योंकि वो सिर्फ एक ही स्पीशी के कल्चरिंग का एन्वामेंट है तो वहां पे आ, जो है सर्वाइवल रेट सब टाइप के वाइल्ड लाइफ का नहीं होगा तो ये वहां पर कुछ काजेज थी जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो उनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिप्लीट हो रहा है अब बात करेंगे कि डिप्लीशन का इफेक्ट क्या है सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि अनबैलेंस फूड चेन एंड इको क्योंकि वाइल्ड लाइफ कम हो रही है तो जो फूड चेन का बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा इको भी डिस्टर्ब हो जाएगा हेल्दी फूड वेब के पास क्या होता है कि अबंडेंस ऑटोड्रॉप्स होते हैं ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट्स ठीक है हर्बीवर्ड्स और फ्यू करनीवर्स और ऑमनिवर्स होते हैं ठीक है तो हेल्दी फूड चेन के अंदर ऑटोड्रॉप्स ज्यादा होते हैं उसके अलावा करनी और ऑमनीवर्स होते हैं वो कम होते हैं लेकिन क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हो रही है इट्स मीन कि ऑटोड्रॉप्स का नंबर जो है वो कम हो जाएगा कर्नीवर्ड्स uh, और ऑमनीवर्स का नंबर अबंडेंट हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये हमारे पास अनबैलेंस हो जाएगा सब कुछ सेकेंड हमारे पास रिडक्शन इन रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीशी अब बहुत सारी वैरियर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक है मारखोर जो है पाकिस्तान के अंदर ठीक है अब उसकी पच्चीस सौ से तीन हजार के अराउंड जो है उसका जो नंबर है वो कम हो गया है क्यों क्योंकि इलीगल हंटिंग हुई है बहुत ज्यादा मारखोर की पाकिस्तान के अंदर डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा की गई है प्रेडेटर ने इतना अटैक किया मारखोर के ऊपर कि उसका नंबर जो है वो ऐसे डिक्लाइन कर गया ठीक हो गया थर्ड पे हम देखेंगे डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ ये भी डिप्लीशन का इफेक्ट है एनिमल क्या करते हैं कि सॉयल को फर्टिलाइज करते हैं अपने वेस्ट डंग से ठीक है और उस मट्टी को जो है क्या करते हैं कि एरी बनाते हैं ताकि प्लांट्स जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें अगर एनिमल्स ना होते तो ये प्लांट्स ग्रो सही ना करते ठीक है क्यों क्योंकि पता है आप वो अपने जानवर ऊपर चलते हैं तो उस मट्टी के ऊपर जैसे कि आप उस मट्टी को हिलाते हैं अच्छे से तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ग्रोथ अच्छी होती है फोर्थ हमारे पास इफेक्ट क्या है डिप्लीशन का इम्पैक्ट ऑन बायोडावर्सिटी जब एनिमल्स या प्लांट्स लॉस होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है उसके रिजल्ट में क्या होता है बायोडावर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ जो है वो इनवायरमेंट से लॉस कर जाएगी ज़ाहिर सी बात है कुछ अगर स्पीसीज गायब हो जाती है तो वो बायोडावर्सिटी तो ना रह गई ठीक हो गया तो यह हमने पढ़ा है किफेक्ट्स क्या होता है आप करते हैं। बात करते हैं थ्रेट्स वाइल्ड लाइफ को कुछ थ्रेट्स भी हैं जी हाँ बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को कुछ थ्रेट्स भी हैं लेकिन हम ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है तो हम वीडियो यहाँ करते हैं स्प्लेट तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम थ्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और फर्दर जो इसका टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल फीएमान ला